आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज आर स्केलर्स एंड दे एड अप लाइक रियल नंबर्स। इट मीन्स इफ ए सिस्टम कंसिस्ट एन चार्ज Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn, देन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1 प्लस Qn। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ, पहली बात तो ये कि चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्ज में डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये किस तरह से ऐड कर सकते हैं? रियल नंबर्स की तरह। जैसे रियल नंबर्स जुड़ते हैं ना आपस में, वन और वन में जुड़ के क्या हो जाता है? टू। ऐसे ही चार्ज भी आपस में जुड़ जाते हैं, रियल नंबर्स की तरह नॉर्मली जुड़ जाते हैं। और ये किस तरह से जुड़ेंगे? फॉर्मूले से, इस तरह से Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। अगर किसी सिस्टम में ये सब चार्ज है Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक, तो इनका जब सम अप करोगे तो टोटल चार्ज Q आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट मींस इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। मतलब जो टोटल चार्ज होगा एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है कोई बंद ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा सिस्टम जो पूरे तरह से बंद है। और कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज का सेम रहना। इसका मतलब जो शुरू में जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हो गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए यहां पर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। When any physical quantity exists in discrete packets rather than in continuous amount, the quantity is said to be quantized, hence charge is quantized। देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वो डिस्क्रीट पैकेट्स में है रेदर देन कंटिन्यूअस अमाउंट, कंटिन्यूअस अमाउंट के बजाय वो किस में है? डिस्क्रीट पैकेट्स में है, मतलब अलग अलग पैकेट्स में है वो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्वांटाइज्ड कहा जाएगा। और चार्ज क्या कहा जाएगा? क्वांटाइज्ड। ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा क्वांटाइज्ड। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, मतलब प्लस भी हो सकती है एक्सिस में जब अधिकता होगी और माइनस हो सकती है डिफिशियंसी में जब कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ई इक्वल्स टू यहाँ पर -1.6 10^-19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको इंटीजर कह सकते हैं। इस एन की वैल्यू से हम इसे समझ सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 1.12e, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि डेसिमल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। दूसरा 2.25e, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी डेसिमल में लिखा हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि डेसिमल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तीसरी बात अंडर रूट, और अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री ई, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रूट में होगी ये भी गलत है, अंडर रूट में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तीसरी बात फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे 1.1/6 लिखा हुआ है, 1/7 लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि फ्रैक्शन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अगर ये निगेटिव फ्रैक्शन भी होता और ये निगेटिव डेसिमल भी होता तब भी ये गलत थे, मतलब डेसिमल में पॉजिटिव निगेटिव सब गलत है और फ्रैक्शन में भी गलत है। इसके बाद ये जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन की नंबर कितना है? 7 हो गया। जहां पर कुछ साइन नहीं होता वहां प्लस होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्लस 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्योंकि ये इंटीजर में काउंट होता है। ठीक है, -8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो माइनस माइनस में भी पॉसिबल है, तो माइनस में भी
पॉसिबल है, लेकिन यहाँ नंबर जो होना चाहिए वो पूरा, जैसे यहाँ पर 7 पूरा नंबर था, 8 भी पूरा नंबर है, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन और -8 इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे। 0 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी किस में काउंट होंगे, वो भी क्वांटाइजेशन में काउंट होंगे, क्योंकि 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है, तो वो भी काउंट होंगे। तो 0 प्लस माइनस ये काउंट होंगे, लेकिन पूरा नंबर होना चाहिए, इनमें नहीं होना चाहिए, ना डेसिमल हो, ना रूट हो, ना फ्रैक्शन हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉन को एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें। अगर आप इसे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करेंगे, तो जैसे ह्यूमन बॉडी हाफ नहीं हो सकती, ह्यूमन बॉडी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ह्यूमन बॉडी डेसिमल में नहीं हो सकती, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी ह्यूमन बॉडी की तरह से फ्रैक्शन में, डेसिमल में और हाफ में नहीं हो सकता। जैसे ह्यूमन बॉडी 1, 2, 3 काउंट करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं इसे काउंट, और 0 भी काउंट कर सकते हैं। 0 का मतलब नहीं होगा कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 का मतलब यह है, तो वो भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आएगा। तो यहाँ पर है एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक्सेप्शन क्या है, क्वार्क्स, ये जो क्वार्क्स है वो एक एक्सेप्शन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ऐसा क्यों है, ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो 1/3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। इसके बाद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होते हैं वो किस वजह से होता है ट्रांसफर, इट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो उनके सरफेस में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। यहां पर एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है, एक स्विच ऑन कंडीशन में है, एक बल्ब लगा हुआ है जो कि जब स्विच ऑन होगा तो ग्लो भी करेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होता है, प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जो है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।